आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। हमारे करगिल और लेह के बीच में जो छोटे छोटे मसले हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, बाकी हमारे इस वक्त एक बर्निंग इशू निकला हुआ है डिवीजन के मसले पे, मेडिकल कॉलेज के मसले पे, यूनिवर्सिटी के मसले पे, और बहुत सारे मसले हैं। तो उन सब के जो है थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैंने अपने कमरी सोचा कि इसमें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत सारे डिस्कशन होते हैं आपस में पब्लिक के बीच में, तो उन सब को ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि करगिल और लेह का जो पॉलिटिकल जो हुई है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा मतलब ये नहीं है कि दोनों साथ बैठ के काम कर सकते हैं उस पर, तो एक दूसरे के पहचानने के लिए, एक दूसरे के मौके को जानने के लिए मैंने ये इशू उठाया था आज। लेकिन बदकिस्मती है कि आज हमारे करगिल से जो रिस्पॉन्सिबल जो पार्टी है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कल ही मतलब हमको क्लियर हो गया कि वो शायद इससे बायकॉट कर रहे हैं, तो कांग्रेस का तो अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन अभी टाइम पर नहीं पहुंचा, शायद उनका भी कुछ मसला होगा। तो ये कोई बड़ा ये नहीं था मतलब कि आज कुछ फाइनल होगा, आज कुछ हम सब कुछ खत्म करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैंने अपना एक फर्ज निभाया कि इसमें जब मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मुझे अपना फर्ज समझा कि भाई हम लोग थोड़ा सा एक टेबल पर बैठ के एक दूसरे को जाने, तो उससे हो सकता है हमें आगे जो है दोनों का मौकिक एक होगा, दोनों का सोच एक होगा, तो उससे हमारा जो आगे फ्यूचर में जो हमारा टूर्नामेंट का जितने भी काम पड़े हुए हैं ओरिजिनल इस पर, तो वो तो उसमें थोड़ा आसानी पैदा हो। आज के इस मजलिस पे जो कि मैं इससे पहले बुजुर्गवाद ने कहा कि ये एक हिस्टोरिकल हमारे पास आज एक टेबल पर बैठ के बात करने का मौका है, तो यकीनन ये बहुत ही हमारे लिए मुबारकबाद का मुस्ताक है कि हम यहाँ मिल बैठ के, जैसे कि इन्होंने भी फरमाया कि इन दो भाइयों के बीच में कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी तरह से दिल के अंदर कुछ न कुछ ऐसे बैर रहते हैं जिसको हमें आज निकालने की जरूरत है, जिसको आज हमें खत्म करने की जरूरत है, वो दिन आ गए, वो मौका हमें मिला है, तो इस मौके को हाथ से न जाने देते हुए हमें जरूरी है कि हम इस पे दिल खोल के बात करें, और दिल खोल के बात करने के बाद हम इस पे उस चीज पे मुश्तरक हो जाएं कि हमें क्या फायदा है खत्ते लद्दाख के लिए। लेकिन सोना सो गुमाइना नियत को लद्दाख से क्रिया खुरे जोम ना सोम चंग प्रॉब्लम इच्छा समझा लद्दाख से लड़के में लद्दाख से संभव का जोम इतना ये समय सोम प्रॉब्लम इच्छा तमा ही का ना कांग्रेस से किया कौन बीजेपी किया कौन पीडीपी एनसीओ फर्स्ट घुमा गुर भी मरहट ऑब्जर्व थे ना मन तकलीफ छा जेनो तेरे चिन्ह चिक मा आशा के जैसी वाले ये समय ना दिन का शोतकान हम जोमकान समय हाजी साहब का बहुत योदा समझ जोम थे ये समय ना आता लद्दाख जोम से किया ओवरऑल लद्दाख से इंटरेस्टिंग तुम तक चिकी किया नाता इका जोम थे नो वाले ये तवा फिर जोम ना ये समय ना मैंने चांस करे मसले रख मरा छिन्मो डूबे समय छिन्मोरा डूबे छिन्मो घोरा डूबे ना कुएं का मेंढा फिर गिर ना दुख दुखचे ना आना मैं दुखचे में बिल्कुल सो बसा था दसा नाता समय जू सिनो मांगल बुद्धि सिख दुख नाता थोपचे सिनो कांगचे सिनो मसा तुझ पे राम माधव बने इंडिया टुडे कंप्लेन आंगरा अजेरा थू हमने लद्दाख को डिवीजन दे दिया स्टेटमेंट कोई ना परेशान हो तेना मन लगे व्हाट्सएप ना सोशल मीडिया का वही दुख सकता हूँ मच्छर क्या समता से ना चिंग सामते ना ये 30 मिनट बाद क्यों रिएक्शन जी गोमर लेकिन खोखरा तुझे बुत हो या डिसीजन यू हाव गो के थक छोटे डिसीजन इन क्या राम महादेव त्यो जेस पाना पाला तुम से सोते हैं जैसा कहा हो घुमा तेरा छुट सा डिग्जर दुख में लेकिन इजाम मी छिनमेग ना बीजेपी तायो में देना पंगा था इनके बिल चो जेस पाना थक छोटे मैंने तुम से सिटी का नक्ता दर्शक आते हैं एक जुक से तुम से तेरा सुनकर नता जुस के ते नो सोते नो गए सो मसन भाई इजुक इओ दो ना
खचुल गुन्ना तक यहाँ छिकार गाँव यूं छर ना था सो मतलब हम जिन इस पे रहा हूँ मतलब छाप सर मतलब ये चीख चुनी उन्हें स्टॉल मिचो ब्लॉक मिचो खचुल बतां शिव नहीं पिंगा मतलब सामा रखते खचुल पर बतां पिंग कोची और ना था ना ये इसका दिखता होता है ये का खचुल पर तो चंग जोर दूँ मैं खचुल पर ची जोर चंग जोर मेरे को सब लगे ना था जी का संभाल और दो मैंने छाचे गोजुक को मतलब यूनिवर्सिटी के ना सो ये सर चीख चिका हम पुपिन ना स्पेरा हम मतलब फर्चे शुरू करो नहीं चिक नहीं ये कोई चीज समय दे चीज कन बो ये चीज नहीं चीज ऐसा स्पेरा हम तांस ये चीज भी वो ये चीज होते ना मन लेप हम ना स्पेरे तो तांस चीज मन घुमा आपका छोम तांस ही जुब चोसे संभाला लेप ना जाए की गोस पड़ो हते ना ना समय यहाँ से की गो भी गो हैं उन तक दो वाले ना जब मैं चाह लेते कोई की गोस तुम तो त्यों इंदर समते चुप चाह दे दुख अच्छा जी तुमका लेप तो पसंद हो चुप चाह दुख शक बा मजे शक पाया स्पेरे तांस भी ना हाल जी भी तो पाले सो मजा तेन्ना तो लाता दसा आता छा बा मेडो तको आता है चेज ना दक्षा हालात तो चुशी नोक मता स्पिरेक टांगो संभासा मत हतो सोगी का बहुत पसंद तंग तंग स्पिरेक का स्पिरेक वो निका तंग चीगे बिगे त्यो मने दुन लायों को समय दुन ला बोर्गोस मड़ी कान को यंग गेला स्पिरेक तंग निचे नो मड़ी कान को रंग रंग अलग बोर ता मड़ी के ने नाम जिंगो तंग स्तान तें धाम नहीं है तुझ बेटा 21st सेंचुरी ना तंग तंग जो ठुगु एजुकेटेड ना तंग ठुगु छमानो गोमे चंगा तंग लावा ना आगा ना शेगे का दुख से मेनो को तानी मेजोरिटी सिलकान तंग मचन सही बात ले घर के लिए इसके माने डिक्शन से मेनो पा तरो अंग तंग ते जे 60s ना 70s ना दुख ना माने गेंचेस मेनो डिक्शन मेनो सो बसा मडिकन वो यहां सिनस पर कन यहां हम तक पिरा जो तंग से जो चन मडिकन मंग पे वैसे हम जोम छाचे से माने योद में क्या खचिंग स्पिरा जो से पर यो बिल्कुल सो बसा स्पिरा साल गो समय ताइना स्पेरा निज बिन के उनका बहुत समय संतंगा था डिवीजन बाय लाट में छम्मा हो तो डिवीजन ने चीज गंगा था मैं देखा समा जिक्स है चीक गंगा था स्पेरा यू का शायद दौरा मैंने सुन लो तो मैंने डिवीजन वो दिंबा थोड़े तांग इतना मीनिंगफुल तो तक चंद इतना दोस इसका फंड देख ले कर कर के ले मिडिक कर मैं तो क्यों माता ना था हाथा ना था ना था जेब गोस पता तेरी माता ना था दसन स्पॉन पुत गोस खतन रहा मेरा बिल्कुल था चुगला ना था आज सिर्फ डेवी गोम जी ना आईजीपी गोरेंटी जो जता था मां का थी हम ये कमरो का था था मां तो छा मां को तेरे गया पेल्स कंजेशन ने मिली के था मां घुमा ना था फंग को स्टे का ना था था मां राइट चिक चिक सोमा सोमा तेओ ना था यूं इचका इसमें इसमें आप सर देखिए ना चोला मेडिकल कॉलेज इंडो ची इंडो मन कदुक छिन ना दिनिंग इना स्परा मार देमो बिया जा दिनिंग मन लीडर संगमे मोला जा चीज इन ना गतांग छमा दे बिल्कुल ते बिना गता इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स मेट पर सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स माने मेट पर दुल ना स्क्योते एज ए लदाखी गतांग समा दुख ते लाख से पब्लिक की पिया लाख से आवाम की पिया लाख से गता बिल्कुल यलवा जंगो ने पिया लाख से गता न्यमशुंग ने पिया लाख से गता मियु मिमांग से पिया कजु गता लास्ट चुंग चे तो गता जिस को छिन ता तेन आस के आस्ती इस पेदा ते ओ चीज नाम चिक पा ला गता रीजनल तशखुस पो गता बरकरार बोर न्यानिन ते चिक पा गता रिन्यून का जगह गता रीजनल आइडेंटिटी वो गता मेत कान चुन ते जगह ना गर्गिल्ला औकात लुसिन ना ले औकात लुसिन निस्का खतुम चिमला चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो एक मीटिंग कन्वीन किया ये शायद हमारे लिए हिस्टोरिकल है क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि तमाम मसवी इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल लोग भी इसमें तशरीफ लाए और हमको कोशिश करना चाहिए कि लद्दाख एज ए होल हम ले लें न कि ले और कारगिल क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे डेवलपमेंट नहीं होगा और इसमें जो तकरीबकार लोग हैं या जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो अपना फ़ायदा उठा के लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट्स वगैरह वक्ती तौर पर लेते हैं तो बाद में हमें बहुत भुगतना पड़ता है। इवन कांग्रेस कारगिल जो अभी इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुए शामिल नहीं हुए उससे कुछ फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? देखिए इसमें उनका क्या मत है या क्या ओपिनियन है क्या कारण है मुझे नहीं मालूम है तो उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई ऐसा चीज़ या ऐसा मुद्दा था नहीं जो किसी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाता हो। यहाँ सब लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट के बारे में बात करने के लिए बैठे हुए थे। बाकी हमने कोई ऐसा आपको ऐसा लगता है कि ये मीटिंग जो है वो क्रेडिट लेने के चक्कर में बुलाया गया है? क्रेडिट किसको मिलेगा, कौन सा क्रेडिट की बात कर रहे हैं आप? जैसे कि एक एलिगेशन ये इस मीटिंग के ऊपर लगाया गया है एनसी ने, क्या वो फिर मेयर एलिगेशन ही है? मैं नहीं समझता हूँ। देखिए ना, हमें सब बातें करते हैं, कम्युनल हारमोनी की बात करते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप कम करना चाहिए, वो कैसे होगा?
बातें अकेले से तो नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं तो एक शुरुआत होना पड़ेगा ना, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना, बैठना तो पड़ेगा। अब मुश्किल कोई करे भी तो फिर गाली, ना करे भी तो गाली, ऐसा तो नहीं हो सकता। यू कांट हैव बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, देयर हैज टू बी सम इनिशिएटिव समवेयर, एंड ही इज द राइट पर्सन टू डू सो, एंड ही डिड सो। आई डोंट सी एनी हार्म इन इट, मैं उसमें कोई बुरा चीज नहीं देखता हूँ। मैं आपके कांग्रेस के करगिल की जो लीडरशिप है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद पहुंचा हूं अभी, तो कौन क्या सोचता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज में ये था कि लद्दाख के भलाई के बारे में बातें किया, वो एक फ्रेंडली रिलैक्स एटमोसफेयर में सब बैठ कर टेबल पर बातें किया, कोई मत वहाँ ने मतभेद नजर नहीं आ रहा था, सब लद्दाख का भलाई चाहता था। और हमने यही उसमें डिसीजन लिया कि जो कुछ भी हो लद्दाख के भलाई के लिए हो, और आगे ऐसी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसलिए हमने कहा दोनों काउंसिल को इनिशिएटिव लेना चाहिए, मिल बैठ के बार बार का बातें करना चाहिए। तो काउंसिल तो हमारा नहीं है ना, तो हमारा होता तो सोचिए आपने काउंसिल को प्रॉप अप करने के लिए कह रहे हैं। काउंसिल सबों का है, जो एक बार इलेक्टेड नुमाइंदा बनता है या इंस्टीट्यूशन बनता है उस सबों का बनता है, एक पार्टी का नहीं होता। तो हमें छोटा सोचना बंद करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सोच के वील हैव टू राइज अबाउ ऑल दिस प्रिटी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तो हमने आज की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन ये भी पास किया कि जो दोनों काउंसिल है लेके करगिल के दोनों काउंसिल मिल के आगे इसमें जो भी कॉलेज का हो, जो भी इश्यूज हो लद्दाख के रिलेटेड, इवन जुजिला टनल हो, जो भी इश्यूज हो, दोनों काउंसिल मिल के इसमें हम एक ज्वाइंट वो बना के तो आइंदा हम लद्दाख के फेवर में, हित में, जो भी पॉलिटिकल सोशल जो भी इश्यूज हो वो डिस्कस करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले मीटिंगों में बाकी जो पार्टीज खासकर करगिल से एनसी और कांग्रेस नहीं की हैं तो उनको हम उम्मीद करते हैं कि आएंगे लद्दाख के लोगों के लिए, उनको आना पड़ेगा, आना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। बिल्कुल गया था वो भी नहीं आया, क्या रीजन समझते हैं? हिल काउंसिल को नहीं आना वो मुझे समझ में नहीं आया। चलो पॉलिटिकल पार्टियों का कोई रीजन हो सकता है, लेकिन हिल काउंसिल का नहीं आना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि इससे पहले जो है ये कदम उठाने से पहले जो है मैंने सी साहब से खुद बात किया था, उनसे राय लिया था कि भाई मैं ऐसा कुछ करेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताओ। तो उसने बोला बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको उठाओ, कोई बात नहीं, आप जल्दी से मुझे लेटर पहुँचा दो, मैं सबको इंटीमेट कर देगा। तो उनके कहने पर ही मैंने सबको उनके थ्रू मैंने इंटीमेट किया था, उनके थ्रू मैंने लेटर भेजा था जिसमें तमाम सोशल और रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टी थे और एक्स मिनिस्टर वगैरह भी थे, एक्स एमपी को भी दिए थे, एक्स मिनिस्ट्रियों को भी दिए थे मैंने। लेकिन इल्ज़ाम तो ये लगाया जा रहा है कि आपने क्रेडिट लेने के चक्कर में। भाई क्रेडिट लेने की बात नहीं होता है इसमें, देखो मैं इस वक्त एक ओहदे पर बैठा हूँ, ये मेरा एक फ़र्ज है, क्योंकि इस वक्त जो है वहाँ ले और कारगिल के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो मैंने दो तीन दफ़ा मैंने कौंसल दोनों को कहा कि आप दोनों बैठ के इसको सॉर्ट आउट करो। मैंने कारगिल में भी इससे पहले भी दो तीन दफ़ा कह कराया हूँ कि भाई कौंसल को इसमें सबसे पहले दोनों कौंसल को एक होकर इसमें काम करना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो गया तो मैं सोचा यार मैं अपना फ़र्ज अदा करूँ, मैंने अपना एक फ़र्ज अदा किया, बाकी आना नहीं आना अगर वो लोग इसको पॉलिटिकल समझे या कुछ और समझे वो उनका अपना काम है, उनका अपना सोच है। वो जो कमेटी बनाई जो जिसके आप जिक्र करें उससे कोई आपत्ति है कि कुछ नहीं है? हमने दोस्त के साथ दे के बैठे हुए, मैंने परसों ही बोल किया था करगिल में, हम बिल्कुल लब्बे हैं उसके साथ ही, हमने अभी भी कह रहा हूँ मैं अभी भी साथ उनके, हमने कब बोला कमेटी गलत बन गया, मैं तो उसको साथ दे के, हमारा बाजबता हमारा वहाँ पर मेम्बर, हमारा प्रेजिडेंट है वहाँ पर, प्रेजिडेंट खुद साथ थे वहाँ पर, और कमेटी बने हमने वेलकम किए उसका, हम उसके खिलाफ नहीं है। सवाल तो देखो मैं अब आपको सीधे तौर बोल रहा हूँ कि ये मैंने बुलाया, अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो मैं कहता हूँ भाई आप में से किसी को और कोई अगर चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसी हो चाहे बीजेपी हो कोई भी मतलब या चाहे कमेटी हो उलमा कमेटी हो कोई भी बोला हम भी अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन कमेटियों में नहीं जाएगा, हमारे पार्टी के मेम्बर जो है वहाँ पर जाएगा और हम करगिल के मफाद के लिए हम बात करने हैं, हमें कोई ईगो नहीं इसमें। आपको और आपकी पार्टी को करगिल के मफाद के लिए कोई मुश्किल नहीं? कोई वो नहीं, हमको किसी भी मीटिंग में आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएगा भाई, ये रीजन का मसला है, ये हमारा कौम का मसला है, अगर हम कौम के लिए नहीं जाएगा तो फिर और किस लिए जाने, फिर बैठा किस लिए हम यहाँ पर, हमें कोई आपत्ति नहीं, सबसे पहले अवाम है उसके बाद पार्टी है, सबसे पहले हमको अपना अवाम का सोचना चाहिए उसके बाद पार्टी का सोचना चाहिए। हमारे कुछ लोग जो पहले पार्टी के सोचते हैं फिर अवाम का सोचते हैं, मेरा वो मकसद नहीं, अवाम का जब मफाद में के लिए होगा तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।